Niago the movie star. अगर तुम मदद के लिए पुकारो तो नकाबपोश नियंदर हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है, पर उसकी असलियत अभी तक किसी को पता नहीं है। आप सभी का स्वागत है दोस्तों, मैं हूँ माइक और आज की ताज़ा खबर ये है कि हम नियंदर पर एक फिल्म बना रहे हैं और मजे की बात ये है कि उसमें नियंदर का रोल नियंदर खुद करेंगे। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जहाँ कहीं भी होंगे इस खास खबर को सुन रहे होंगे। दोस्तों आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, मैं अभी लौटता हूँ। नकाबपोश नियंदर जहाँ भी होगा इसे जरूर सुन रहा होगा। दोस्तों मैं फिर से आ गया, नियंदर ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया है। हो सकता है कि वो किसी की मदद करने के लिए कहीं गए हो। हो सकता है नकाबपोश नियंदर सच में बिजी हो। लेकिन दोस्तों मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। हम एक ऑडिशन रख रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं नकाबपोश नियंदर का रोल निभाना तो अपने एप्लीकेशन जल्दी भेजिए। वाह वाह, चलिए बड़े भैया हम भी नियंदर की ऑडिशन देने चलते हैं। तो दोस्तों क्या आप नकाबपोश नियंदर का किरदार निभाना पसंद करेंगे? अगर हाँ, हमेशा ये नियंदर की तारीफ सुन के मैं परेशान हो गया हूँ। मैं उस नकाबपोश नियंदर से बेहतर हूँ, कम से कम मैं अपना चेहरा तो नहीं छुपा रहा। सर आप इतने हैंडसम हैं कि छुपाने की जरूरत ही नहीं। हेलो दोस्तों, हमारे ऑडिशन में आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो क्या आप लोग नकाबपोश नियंदर बनने के लिए तैयार है? तो चलिए दोस्तों नकाबपोश नियंदर के लिए ऑडिशन शुरू करते हैं। दोस्तों आप ये तस्वीर ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आपको बिल्कुल ऐसी ही पोजीशन में खड़े होना है और फिर मैं आपकी एक तस्वीर लूंगा जो बिल्कुल नकाबपोश की तरह लगेगा, उसे ये रोल मिल जाएगा। क्या तुम अपने ये स्पोर्ट्स शूज निकाल सकते हो, क्योंकि नियंदर के रोल के लिए ऐसे जूते सूट नहीं करते। नहीं मैं ये जूते नहीं निकालूंगी। देखो मैंने स्पोर्ट्स शूज नहीं पहने। हाँ लेकिन तुम इस रोल के लिए थोड़े मोटे हो। माफ करना, तुम इस रोल के लिए छोटी हो। अरे वाह, तुम्हारी हाइट तो बिल्कुल मैच हो रही है, पर तुम इस रोल के लिए काफी मासूम लग रही हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। यही सारी बात वो मुझसे भी तो कह सकता था। निया को इस ऑडिशन का आखिरी कैंडिडेट था क्या? और कोई ऑडिशन देना चाहता है? हाँ नियागो प्लीज, क्या तुम यहाँ आओगे? मैं ऑडिशन के लिए नहीं आया था, मैं तो बस। हाँ मुझे लगता है कि तुम्हारी हाइट थोड़ी छोटी है, पर अगर तुम ये बूट्स पहन लो तो तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी और तुम बिल्कुल नियंदर लगोगे। क्या मेरी टांगे छोटी है क्या? चलो जरा देखें तो सही। नियागो तुम तो बिल्कुल नकाबपोश नियंदर लग रहे हो, बस तुम्हारी मुझे और पूंछ को छिपाना होगा, फिर तुम एकदम परफेक्ट दिखोगे। तो दोस्तों हमने नकाबपोश नियंदर के रोल के लिए नियागो को चुना है। कमाल है, नियागो रोल के लिए सिलेक्ट हो गया। हाँ ठीक है, हम इसे सपोर्ट करेंगे। ये लो स्क्रिप्ट। तो छोटे नियंदर जरा अपनी स्क्रिप्ट को ठीक से पढ़ना। ये तो जाहिर सी बात है कि मैं राजा का रोल करूंगा। अगर राजा खुद ही राजा का रोल करे तो फिर क्या बात है। वाह! मैं राजकुमारी का रोल कर रही हूँ और मुझे जालिम राजा किडनैप करके ले जाएगा। वाह! देखिए सर, अब हम भी इस फिल्म में काम कर रहे हैं, तो आप जल्दी से स्क्रिप्ट याद कर लीजिए। ओ, मेरे जैसे अच्छे एक्टर को स्क्रिप्ट की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुझे इतना अहम और बढ़िया रोल दिया है। रेडी? क्या सभी लोग तैयार हैं? चलिए शुरू करें। कैमरा बिल्कुल तैयार है, आप बस एक्शन बोलिए। मैं भी लाइट्स लेकर एकदम तैयार खड़ी हूँ। और साथ ही माइक भी तैयार है। हाँ तो इस सीन में जालिम राजा ने राजकुमारी को किडनैप कर लिया है और सब लोग उसे छुड़ाने में लगे हैं। ओके एक्शन। चलो हमें राजकुमारी की मदद करनी है। अगर तुम्हें राजकुमारी वापस चाहिए तो तुम्हें मुझे हराना होगा। ओके, तो इसके बाद नियॉन की एंट्री होगी। लो मैं आ गया तुम्हारा साथी नकाबपोश नियॉन। तो मैं भी
निकली गई सर, पर पहले शॉट में जान निकल गई। अरे तुम कौन हो? मैं नयान हूँ और तुम्हारी राजकुमारी को छुड़ाने आया हूँ। राजकुमारी को छुड़ाने की चिंता तुम मत करो, हम छुड़ाएंगे क्योंकि हम महल के सिपाही है। तुम मुझे मेरा काम करने दो, मेरे काम में अड़चन मत डालो। मुझे जालिम राजा के हाथों से बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। थोड़ी फीलिंग्स और डालिए। कोई बचाओ। चलो नियागो जाओ। देखो नकाब पोश नियांडर। बड़े अच्छे लग रहे हैं भैया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। नियांडर तैयार। चलो कैब्रिना लाइट्स दो। ये लो। मेरी आंखें। अरे नियागो ये क्या कर रहे हो? अब उस जालिम राजा से लड़ो। नियांडर पंच। हसो मत, तुम्हें मरना है। हा? मैं क्यों मरूं? मैं मेन रोल कर रहा हूँ। तुम नहीं, नकाबपोश नियांडर मेन रोल कर रहा है। स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी क्या? मैं स्क्रिप्ट वेप नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं हीरो हूँ, मैं ही मेन रोल करूँगा बस। ओ नहीं, तुम हीरो नहीं हो, मैं हीरो हूँ। नहीं, मैं हीरो हूँ। चुप रहो। तुम दोनों में से कोई नहीं है, हीरो है नकाबपोश नियांडर। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं हीरो हूँ, इसका मतलब सिर्फ मैं ही हीरो हूँ और कोई नहीं। ये लो आग का गोला। कोई मुझे बचाओ। आप किस बेवकूफ ने मदद के लिए पुकारा? नहीं रुकूं तो क्या करोगे? आज तो मैं मेन रोल कर रहा हूँ, मैं तुमसे नहीं डरने वाला। अरे बाप रे! क्या मैं ये ले जाऊँ? ए, तुम मुझे नहीं हरा सकते। ये डर हमला रुको। क्या बात है? असली नकाबपोश नियांडर आया और क्या? असली नकाबपोश नियांडर? हम क्यों ना हम सब मेहनत करें और इस प्ले को कामयाब बनाएं। ये शो सिर्फ नियांडर के रोल की वजह से हिट नहीं होगा। वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझता है। अच्छा है कि उसकी मुलाकात अभी तक मेरे से नहीं हुई। ओ आइडिया आया है। अच्छा, जब भी कोई परेशानी होगी मुझे बुला लेना, ठीक है? अब देखते हैं कौन है। आओ नियागो, आओ नियागो, ही असली नकाबपोश नियांडर है। मैंने उसका राज दुनिया के सामने खोल दिया, अब सब जान गए कि नियांडर कौन है। नहीं, आप मेरी बात तो तुम सब लोगों को अचानक क्या हो गया? तुम लोगों की बोलती क्यों बंद हो गई है? कट कट। हाँ? अरे नियॉन, ये मेन शॉट चल रहा था। क्या मेन शॉट ले रहे थे? हाँ? क्या तुम नहीं जानते असली नकाबपोश नियांडर तो उसी वक्त लौट गया था जब तुम बेहोश पड़े हुए थे? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हम फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं? और जब नियागो ही नियांडर का रोल कर रहा है तो जाहिर सी बात है जब उसका नकाब निकालोगे तो उसके नीचे नियागो ही होगा ना। पर मुझे तो इसकी आवाज़ बिल्कुल असली नकाबपोश नियांडर की तरह लगी। ओफ़ नीले बिल्ले, तुम्हें कुछ भी पता नहीं होता। तुमने स्क्रिप्ट भी पढ़ी है? मेरे भैया बिल्कुल ओरिजिनल एक्टिंग कर रहे हैं। मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? भाई सब लोग नकाबपोश नियांडर की असली पहचान को लेकर परेशान हैं।
क्या वो नियागो था या फिर असली नकाबपोश नियंडर, ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। नियंडर की फिल्म बहुत ही बड़ी सुपर डुपर हिट हुई और उसने पूरे कैट टाउन में जोश की लहर दौड़ा दी। तो भाई दोस्तों, क्या आपने कोई ऐसी फिल्म देखी है? आए तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगली बार हाजिर होंगे एक नया और मजेदार एपिसोड लेकर।